तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भले ही गायों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण करवा दें, लेकिन धरातल में इसका एक विपरीत ही रूप देखने को मिलता है। ताजा मामला बसना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलारपाली का है, जहां पर गौठान निर्माण में घोर लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि निर्माण समय पर घटिया मटेरियल और घटिया क्वालिटी के सामान का उपयोग कर निर्माण किया गया। कुछ ही समय बाद गौठान निर्मित वर्मी कंपोस्ट टैंक और गठान में अन्य निर्मित सभी स्थानों में दरारें आ गईं। अब देखना यह होगा कि निर्माण पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी व प्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई करते हैं प्रशासन या नहीं। जिस गौठान की हम बात कर रहे थे, जिस ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे, जहां पर गुणवत्ताहीन गौठान का निर्माण किया गया है, उस ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से आज हम मिलेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इस प्रकार की निर्माण क्यों करवाया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का लाभ न हो और कहीं ना कहीं पंचायत की एक छवि जो है धूमिल हो। हम बात करेंगे सरपंच महोदय से। आइए सरपंच, सर आपका नाम क्या है ये बताइए। जयनंद कुमार गहिर। गहिर जी, आपके यहाँ गौठान निर्माण हुआ है आपके आश्रित ग्राम बेंदारी में, वहाँ पे कब निर्माण हुआ और कब किन की देख रेख में सारा काम हुआ है? ये ठेका के तौर पे दिए दी, उन्हीं के देख रेख में हुआ है। किस अधिकारी द्वारा दौरा किया गया? अब जितने भी अब प्रमुख हैं वो सभी लोग आए थे। आप क्या हैं ग्राम पंचायत सरपंच? आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि वहाँ जाकर मॉनिटरिंग करें, उस चीज की समीक्षा करें जो आपके ग्राम पंचायत के हित के लिए बन रहा है? नहीं, गया भी था, देखा भी हूँ। तो कैसे ग्राम पंचायत में गौठान जो निर्माण हुआ है, गुणवत्ताहीन निर्माण क्यों हुआ, किस कारण हुआ? ठेकेदारी में अब हुआ है तो अब तो होगा। ठेकेदारी में देने के लिए कौन बोला था आपको? लिखित में किसी प्रकार के शासन प्रशासन से आदेश आए थे? नहीं आया था, वो सही टाइम में पैसा नहीं मिलता तो अब तो करना ही पड़ेगा ना कुछ न कुछ। अच्छा, तो सही टाइम में पैसा नहीं मिलता ऐसा आपका कहना है जी? शासन प्रशासन के ऊपर आप जो है आरोप लगा रहे हैं कि सही समय में पैसा नहीं देने के कारण आपको जो है गौठान को जो है ठेका में देना पड़ा जी? तो क्या ठेका में दे देने से आपकी जवाबदारी खत्म हो जाती है? नहीं होती, मैं जाके परीक्षण भी किया, अभी तक उसमें कुछ राशि भी अभी भी बचा है। आपके द्वारा पढ़ाने के बाद आपके द्वारा बता रहा हूँ ना, हाँ, उसके आने के बाद जो भी गुणवत्ता ऊपर नीचे है उसको वापस उसमें किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो भी उसमें कमी है, जिसे कि आप जाके देखे जी, जो भी ओके। गौठान जो आपके द्वारा निर्माण किया गया है जी, जिसको आपने नव निर्माण किया है जी, सारे वर्मी कंपोस्ट जो टैंक है सारे चीजों में दरार पड़ चुका है जी, टोटल जो है कहीं ना कहीं निर्माण लायक मतलब उपयोग लायक नहीं है। दूसरी बात, जो आप गायों के लिए जो चारागाह या फिर पानी के लिए जो यूज करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें किसी प्रकार का लाभ गाय नहीं ले सकती। तो निर्माण करते समय क्या आपका दायित्व तो नहीं बना कि हम अच्छे से जाके थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर लें? वो बना, मैं जाके देखा, उस टाइम दरार नहीं आया था, जैसे ही समय बीतता गया उसके बाद ही आया है। क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन द्वारा दिए जाने पैसे का मतलब गलत ढंग से पैसे आया या मटेरियल गलत डाले हैं? उसमें मटेरियल हर चीज सही डाला है। तो कैसे अभी तो, मैं आपको जैसे कि बताया कि उसका जो भी है, जो भी राशि बचा है उसे फिर लगभग कितनी राशि आहरण कर चुके हैं अब उसको देखना ही पड़ेगा ना। अनुमानित आप ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं, देखना पड़ेगा, बोला ना। फिर भी लगभग लगभग बचा होगा 2 से 3 लाख तक। 2 से 3 लाख? 2 लाख 3 लाख तक बचा है। स्वीकृति कब की है? अब जो दिए थे उसी टाइम इसका था। आप बताइए ना सर, उसमें तो कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है तो कब की स्वीकृति है, कब से कब तक बनना था? अब देखना पड़ेगा उसका भी फाइल। इसके लिए भी आप देखेंगे जी? इसके लिए भी आप बता नहीं पाएंगे? नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाऊंगा। तो जब आज जो गौठान जो निर्मित हुआ है जी, इसमें गायें तो क्या आदमी भी जाके खड़ा नहीं हो सकता जी? इसकी जवाबदारी किसकी है, आपकी है या कृति है? कब से कब तक बनना था? अब देखना पड़ेगा उसका भी फाइल। इसके लिए भी आप देखेंगे जी? इसके लिए भी आप बता नहीं पाएंगे? नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाऊंगा। तो जब आज जो गौठान जो निर्मित हुआ है जी, इसमें गायें तो क्या आदमी भी जाके खड़ा नहीं हो सकता जी? इसकी जवाबदारी किसकी है, आपकी है या ठेकेदार की है या शासन प्रशासन की? वो तो सरपंच का ही जवाबदारी होगा ना, ठेका में दिया उस टाइम मेरा हेडेक था, जो भी है मेरा हेडेक होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब आप जवाबदारी लेते हैं कि वहाँ जो गलत निर्माण हुआ है मेरे ऊपर ही आएगा, मैं देखकर वो गलत किया, मेरे को भी ये पता है और हुआ है वो गलत। चलिए ठीक, जो भी अब बचा है उसके अब जो भी है जैसा भी किया जाएगा। थैंक यू। सरपंच का कहना है कि जो निर्माण काम हुआ है जिस स्तर का हुआ है, अगर
उसमें रिकवरी भरा जाएगा तो इसमें सचिव का किसी प्रकार का हाथ नहीं रहेगा। यानी कि अधिकारी वर्ग में अगर सचिव के ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही या लिखित होता है तो इसमें उनको जो है अलग किया जाए, इसकी सारी जवाब